हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी ऑल आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर फिफ्टीन ऑफ क्लास एट साइंस और इस चैप्टर का टाइटल है सम नेचुरल फेनोमिन ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल फेनोमिन के बारे में कुछ नेचुरल फेनोमिन के बारे में सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज वॉट इज़ नेचुरल फेनोमिन नेचुरल फेनोमिन होते क्या है सो द फेनोमिन दैट इज़ अकरिंग नेचुरली इज नोन एज नेचुरल फेनोमिन ऐसे फेनोमिन जो नेचुरली अकर हो रहे हैं जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है जो प्रकृति से अकर हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमिन तो इस चैप्टर में हम ऐसे दो फेनोमिन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दीज टू फेनोमिन आर फर्स्ट इज़ अर्थक्वैक एंड सेकेंड इज लाइटनिंग पहले तो हम अर्थ क्वैक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लाइटनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और पिछले हमने पिछली क्लासेज में और भी ऐसे डिस्ट्रक्टिव एनिमेंट्स के बारे में पढ़ा है सचेस्ट थंडस्टॉम साइक्लॉन तो उस चीन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेट इज कम टू द नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो हियर आप देख सकते हो समथिंग इज रिटर्न लेट रीड इट वैन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन ड्राई हेयर द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर अगर हम एक स्केल लें और उसे अपने ड्राई हेयर से रब करें और उसे छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लाएं तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करने लग जाएगा आपने भी नोटिस किया होगा अगर नहीं किया है सो डू दिस एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व इट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें सपोज हम एक कॉम का एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हम एक कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर से रब करें या फिर उस कॉम्ब को किसी वुलन क्लॉथ या पॉलिथीन से रब करें और उसे छोटे छोटे पीसेस पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर आए सो व्हाट विल हैपन इस तरीके का कुछ अकर होगा कि जो कॉम्ब है वो पीसेस को छोटे छोटे पेपर के पीसेस को क्या करने लग जाएगी अट्रैक्ट करने लग जाएगी द क्वेश्चन इज वाई इट इज़ हैपनिंग ये ऐसा हो क्यों रहा है दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहा है हाउ अगर हम किसी भी चीज़ को रब करें सपोज टेक ऑब्जेक्ट एंड रब इट सो वॉट विल हैपन इसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा और चार्जेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव अगर हम इस सिचुएशन को एक बार फिर से देखें सो वॉट वी कैन ऑब्जर्व कि हमने एक स्केल लिया था और उसे चार्ज किया था उसे रब किया था तो इधर उस स्केल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो स्केल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और जब हम उसे छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेकर आए थे तो क्या हुआ था कि ये इन सारे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा था तो इस चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी होती है सो ले मी टेल यू द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज़ कि अगर हम दो कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं सपोज हम एक ये ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक ये ऑब्जेक्ट लेते हैं इनको नेम देते हैं जनरली ए एंड बी इन दोनों को हमने चार्ज कर दिया अगर इसके अंदर कोई चार्ज डेवलप हुआ या फिर अगर मैं बोलूँ इन दोनों को हमने रब कर दिया एक पॉलिथिन के आ, पीस से सो वॉट विल हैपन इन दोनों के अंदर एक चार्ज डेवलप हो गया अगर इस ए ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव का चार्ज डेवलप हुआ है और इस बी ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स से नेगेटिव का चार्ज डेवलप हुआ है तो क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर जाएंगे इन दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन हो जाएगा ठीक है ये ए और बी क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसा क्यों होता है जो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं दोनों अगर दो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इतने भी ऑब्जेक्ट है और उनका जो चार्ज है वो अलग अलग है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा और यहीं पे अगर हम ये सिचुएशन लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं अगेन लेट्स से ए एंड बी और ए के अंदर चार्ज डेवलप हुआ माइनस का और बी के अंदर अगर डेवलप हुआ माइनस का तो जो सेम सेम अगर जो सेम अगर चार्जर डेवलप होते हैं तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करेंगे रेपेल करेंगे रिपल्शन आएगा इट मींस कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक लेट्स डू सम एक्टिविटी ओके सो हियर इज एक्टिविटी वन इसमें क्या है कि हमें क्या करना है यूज्ड बॉल पेन हमें क्या करना है यहाँ पे एक बॉल पेन लेना है जो यूज्ड हो या फिर आप जो यूज नहीं है वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक बॉल पेन की रिफ़िल ले ली जो यूज्ड है वन सेकेंड या ये बॉल पेन की रिफ़िल है जो यूज्ड है इसको किसी पीस ऑफ पेप पॉलीथिन से रब कर लेंगे एक पॉलीथिन का पीस लेके इसको क्या कर लेंगे रब कर लेंगे एंड देन ब्रिंग इट क्लोज टू पीसेज ऑफ पेपर और इसे छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर हैं इन इनके पास में लेकर आएंगे टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड विथ योर हैंड हमें ये केयर करना है कि हम इसका जो जैसे मान लीजिए हमने गेट टिप चार्ज किया है यहाँ पे हमने रब किया है और इस इसको हम अपने हैंड से नहीं छुएंगे ऐसा क्यों करेंगे वी विल डिस्कस लेटर तो अभी क्या करना है हमें इसकी एंड को नहीं टच करना है एंड हमें अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है कि क्या होगा सो व्हाट विल हैपन सिंपल ये जो यहाँ पे हमने रब एंड किया है ये जो हो जाएगा चार्ज्ड ये क्या हो जाएगा चार्ज इसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा दो प्रकार के चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दोनों में से एक चार्ज इस स्टेप पे आ जाएगा तो जब हम ये चार्ज यहाँ पे लेकर आएंगे सो व्हाट विल हैपन कि ये जो पेपर के पीस ये जो पेपर के पीसेज हैं ये इस रिफिल में क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे सो so, इसको अच्छे से समझने के लिए और भी अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक सेकेंड एक्टिविटी सो द सेकेंड एक्टिविटी इज़ इन्फ्लेट टू बलून्स हमें दो बलून्स को इन्फ्लेट करना है और हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर हमें उन्हें इस वे में क्या करना है इस वे में उन्हें हैंग करना है कि वो एक दूसरे को ना टच करें एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं एंड देन रब बोथ द बलून विथ वुलन क्लोथ एंड रिलीज देम अभी हमें इन दोनों बलून्स को वुलन क्लोथ से रब करना है और उन्हें छोड़ देना है देन वॉट डू यू ऑब्जर्व अभी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि देखो बलून जो है वो सेम ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए हम इसे ए बोलते हैं और इसे बी बोलते हैं ठीक है थीके? इन दोनों को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया है हम इन दोनों को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया है तो इसमें भी वही चार्ज आया होगा ए में भी वही चार्ज आया होगा जो बी में आया होगा क्यों क्योंकि वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं और हमने उन्हें सेम ही सेम ही मटेरियल या फिर सेम ही सब्सटेंस से रब किया है तो सपोज लेट्स टेक कि उसमें प्लस का पॉजिटिव चार्ज आया हो मैं आप एकदम श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे पॉजिटिव ही आया होगा वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी आ सकता है तो हम दोनों सिचुएशन में देखते हैं ओके सो दीज आर द टू बलून्स ए एंड बी ए एंड बी तो यहाँ पे क्या है गाइस कि अगर हमने ए में ए को रब किया ए को चार्ज किया और बी को चार्ज किया अगर ए में पॉजिटिव का चार्ज आया और बी में भी वही आएगा अगर हमने क्योंकि वो दोनों सेम सब्सटेंस है और इनमें हमने उन्हें सेम ही चीज़ों से रब किया है तो इन दोनों में सेम चार्ज आएगा अगर इसमें भी पॉजिटिव आया और इसमें भी पॉजिटिव आया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसकी प्रॉपर्टी जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को रेपेल करते हैं मतलब एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये बलून्स क्या होंगे एक दूसरे से दूर होंगे अगर हम यहाँ पे सिचुएशन लें कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या आया हो नेगेटिव आया हो तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो भी तो सेम चार्ज ही रहेगा तो भी ये दोनों बलून्स एक दूसरे को क्या करेंगे रेपेल ही करेंगे सो एज़ यू कैन सी इन द सेकेंड फिगर कि ये ये जो बलून्स एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है सो नाओ लेटस परफॉर्म एक्टिविटी थ्री टू अंडरस्टैंड इट मोर ब्रीफली तो इस एक्टिविटी में क्या है नाउ लेटस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज पेन रिफिल्स रब वन रिफिल विद पॉलिथिन एंड प्लेस इट केयरफुली इन ग्लास टम्बलर अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि वी हैव टू टेक अ बॉल पेन रिफिल और उसे चार्ज करना है हमें उसे एक पॉलिथीन के पीस से रब कर लेना है अच्छी तरीके से अभी देखो ये जो रिफिल है वो चार्ज हो गई तो अब हमें इसे एक टम्बलर में रख देना देखो ये रिफिल आप देख सकते हो ये वाली रिफिल सो दिस रिफिल इज चार्ज और इसको एक टम्बलर में प्लेस कर दिया गया है नेक्स्ट इज रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलिथिन अभी यहाँ पे देखो हैंड में एक और रिफिल है और इसे भी पॉलिथिन से ही रब किया गया है सेम ऑब्जेक्ट और उसे सेम ही सब्सटेंस uh, से रब किया गया है तो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है सो so, ओके okay, अभी आगे पढ़ते हैं वॉट इज रिटिन ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल अभी ही जो हाथ में रिफ़िल है इसे हमें जो टम्बलर में प्लेस रिफ़िल है उसको साथ में लाना है ये हैंड में ये जो ये जो वाली रिफिल है अगर इसको नाम दे देते हैं ए एंड बी सो दिस इज रिफ़िल एंड दिस इज रिफ़िल बी जो टम्बलर में प्लेस है तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इसे पास में लाना है और हमें बताना है क्या कोई अफेक्ट इस पर हो रहा है इस पे कोई अफेक्ट हो रहा है रिफिल पे क्या हो रहा है अगर अट्रैक्ट हो रही है या रेपेल हो रही है तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन आंसर इज कि यहाँ पे रिपल्शन होगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो रिफिल है वो सेम ऑब्जेक्ट है और इनको सेम ही थिंग से रब किया गया है तो इनके अंदर सेम चार्ज आएगा या तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव uh, आएगा या तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो अगर हम लेते हैं कि इन दोनों में पॉजिटिव का चार्ज आया है तो सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसीलिए कौन क्या होगा यहाँ इन दोनों आ, इनके बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा एजन सी इन फिगर ऑल्सो कि यहाँ पे ये दोनों इन दोनों जो रिफिल है इनके बीच में एक डिस्टेंस डिस्टेंस एमर्ज हो रही है ओके सो नाउ लेट इज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड रिफिल एंड प्लेस it जेंटली इन द ग्लास टम्बलर एज बिफोर ब्रिंग an inflated चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व तो अभी हमें क्या करना है कि इसी टम्बलर में एक रिफिल रखनी है फिर से चार्ज करके एक रिफिल रखनी है और इस टाइम हमें दूसरी रिफिल नहीं लानी है इस टाइम हमें एक बलून लाना है एक चार्ज्ड बलून लाना है अभी क्या होगा कि यहाँ पे रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर विल भी यहाँ पर होने वाला है अट्रैक्शन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो बलून है ये अलग सब्सटेंस है और ये जो रिफ़िल है ये कुछ अलग सब्सटेंस है तो इन दोनों में हमेशा जो अगर हम इनको पॉलिथीन से रब करते हैं या फिर हम इसे वुलन क्लॉथ से किसी भी चीज़ से इसे रब करते हैं तो क्या होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफरें चार्जेस आएंगी अगर बलून में प्लस आया तो रिफ़िल में माइनस आएगा और अगर रिफिल में रेफिल में क्या आया अगर रिफिल में प्लस आया तो बलून में क्या आएगा माइनस आएगा तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं कि बलून में प्लस आ गया और सपोज़ रिफ़िल में क्या आ गया माइनस तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ जाएंगे मतलब ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे देखो फिगर में भी देख सकते हो जो रिफ़िल है वो थोड़ी सी मूवमेंट कर रही है और ये बलून से अट्रैक्ट हो रही है ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एडिशनल नहीं है ये सारी चीज़ें आपके घर पे भी मिल सकती हैं सो प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी अगर आप एक्टिविटी को ट्राई करोगे यू कैन ऑब्जर्व इट ओके सो नाउ लेट इस मूव टू द नेक्स्ट लाइट इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज अभी तक तो हमने पढ़ा कि एक चीज़ को हम रब करते हैं और उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है या तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मान लीजिए सेम चार्जेस डेवलप होते हैं तो वो चीज़ें रेपल करती हैं और अगर ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं तो क्या होता है वो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं सो so, अभी हम लोग एक नया टॉपिक जो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज तो इसमें हमें क्या है कि हमें इसमें एक छोटा सा कुछ बनाना है चलिए इसको बनाते हैं इसको पढ़ते हैं इसका, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है सो टेक एन एम टी जैम बॉटल सबसे पहले तो हमें एक जैम की एम टी बॉटल ले लेनी है कोई सी भी बॉटल अगर आपके पास एम टी पड़ी है तो उसको ले लीजिए एंड टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज दैन माउथ ऑफ द बॉटल और एक हमें कार्डबोर्ड लेना है जो कि बॉटल के माउथ से थोड़ा सा बड़ा हो एंड देन पेयर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन इंसर्ट और इसके ऊपर हमें एक होल बनाना है जिससे तो हम एक मेटल की क्लिप को अंदर डाल सकें ओपन वन सेकेंड ओपन द पेपर क्लिप कट आउट स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट फोर सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर ईच देम ऑन द पेपर क्लिप इन कार्डबोर्ड लीड सो दैट इट इज पर्पेंडिकुलर टू इट तो अभी हमें क्या करना है कि जो पेपर क्लिप है इसे ओपन कर लेना है और इसके एक एंड पे दो हमें अलूमिनियम की क्या लगा देनी है स्टिप्स लगा देनी है और इनका लेंथ क्या होगा इनका लेंथ होगा फोर सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर ठीक है तो इतना हमें करना है क्या क्या करना है हमें एक जैम की बॉटल लेनी है या फिर कोई सी भी बॉटल उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाना है फिर यहाँ से एक इंसर्ट करना है क्या एक पेपर की क्लिप और उसके एक साइड पे हमें दो एल्युमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स को हैंग करना है आगे क्या करना है चार्ज रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप अब हमें यहाँ पे एक रिफ़िल को चार्ज करना है और ये जो पेपर क्लिप का एंड है इसे उस रिफिल से क्या करना है टच करना है ऑब्जर्व वॉट हैपन्स अब बताइए क्या होने वाला है इज देर एनी इफेक्ट ऑन द फॉल स्ट्रिप्स डू दे रिपेल हीच अदर और अट्रैक्ट अदर तो अभी हमें यहाँ पे बताना है कि हमने हमें क्या करना है कि हमें एक चार्ज रिफिल लेनी है और उसके एक टिप को यहाँ पे टच करना है पेपर क्लिप की एक टिप को इस चार्ज रिफिल से टच करना है और हमें बताना है क्या कोई अफेक्ट हो रहा है क्या वो एक दूसरे को क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर रेपल कर रही हैं सो so, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्व करेंगे हम कि ये जो रिफिल है ये चार्ज है तो यहाँ पे ये यह जो मेटल की मेटल uh, की क्लिप है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मतलब कि वो ये चार्जेस को अपने थ्रू पास होने देंगे तो यहाँ पे जब हमने चार्ज जफिल को यहाँ मेटल से टच किया तो क्या हुआ कि इसका जो चार्ज था उस मेटल के थ्रू कहाँ गया इन स्ट्रिप्स में और दस ये स्ट्रिप्स अल्यूमिनियम की बनी हुई हैं तो यहाँ पे ये भी क्या है मेटल है और ये भी उस चार्ज को एक्सेप्ट करेंगी तो यहाँ पे ये जो फ्लो है ये जो चार्ज का फ्लो है ये इन फॉइल्स तक गया इन स्ट्रिप्स तक गया एंड ये देखो अगर मान लीजिए हम एक सपोज़ करके चलते हैं कि जो चार्ज रिफ़िल है इसमें प्लस का पॉजिटिव का चार्ज है और ये पॉजिटिव का चार्ज यहाँ से फ्लो होते होते इन फॉल्ट स्ट्रिप्स में पहुँच गया तो इन दोनों स्ट्रिप्स में पॉजिटिव का चार्ज पहुँचा होगा और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रेपल करते हैं तो ये जो फॉल्ट स्ट्रिप्स होंगी वो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगी रेपल करने लग जाएंगी और अगर हम लेते हैं कि इस आ, रिफिल में माइनस का हुआ तो ये माइनस भी इसके थ्रू फ्लो होगा माइनस का चार्ज और इन दोनों फॉइल्स uh, में माइनस माइनस का चार्ज पहुंचेगा एंड देन वॉट हैपन द सेम थिंग ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी रेपल करेंगी तो यहाँ पे जो अफेक्ट हमें मिला जिस uh, हमें ऑब्जर्व किया इज दैट दीज टू फॉल्स टेप्स आर रेपलिंग ईच अदर रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस वन सेकेंड का इज ऑल राइट तो यहाँ पे क्या टेक प्लेस कर रहा है रिपल्शन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू दे रेपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर क्या वो एक दूसरे को रेपल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है सो आंसर इज दे आर रेपलिंग ईच अदर रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप हमें ऐसे ही और भी चार्ज बॉडीज़ को यहाँ पेपर क्लिप पे टच करना है जैसे कि हम ले सकते हैं किसी बलून को चार्ज करके टच कर सकते हैं या फिर कॉम को या तो स्केल को या फिर किसी भी और भी चार्ज बॉडीज़ को जो अफेक्ट आएगा वो सेम आएगा क्यों क्योंकि सेम फ्लो पास होगा सेम चार्ज पास होगा और इन स्टेप्स तक सेम ही चार्ज पहुंचेगा ओके सो डू फॉइल्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस या दिस फॉइल विल बिहेव इन सेम बिहेव सेम इन द ऑल केसेस कैन दिस अपे कैन दिस अपेरिश बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट क्या हम इस uh, ये जो हमने एक्टिविटी की इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है सो या वी कैन अगर हमें पता करना हो कि कोई बॉडी कोई सा भी बॉडी है कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या नहीं है सो वी कैन डू फ्रॉम इट हम क्या करेंगे अगर मान लीजिए हम मैंने क्लिप निकाली कोई सी भी क्लिप ली और इसको यहाँ पे टच किया अगर वो चार्जड होगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रेपल करेंगे अगर वो चार्ज नहीं होगी तो ये इनमें कोई सा भी इफेक्ट नहीं आएगा ओके नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉल स्ट्रिप सेपलीजेदर अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा सो यू कैन एक्सप्लेन इट अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए ओके सो नाउ लेट इज मूव टू द नेक्स्ट लाइट हाँ अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप ये तो हमने घर पे होम मेड इलेक्ट्रोस्कोप बनाया लेकिन ए, ये जो डिवाइस है इसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं और इससे हम क्या मेजर करते हैं इससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि कोई सा जो ऑब्जेक्ट है कोई सा भी ऑब्जेक्ट है क्या उसमें चार्ज है या उसमें चार्ज नहीं है सो दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप अगर कोई पूछे वॉट इज इलेक्ट्रोस्कोप या फिर वॉट इज़ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप सो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रोस्कोप इज सच अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टस्ट विदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरियंग चार्ज और नॉट ओके गाइज सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप सो नॉल इट इज मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अर्थिंग देखो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो हमें चार्ज हमने एक रिफिल को चार्ज किया था एक साइड से और फिर उसमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि डो नॉट टच विथ इट विथ हैंड्स तो यहाँ पे वही स्टार में फिर से बना रही हूँ एंड वॉट इज यर कि उस प्रोसेस को समझाया गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग अगर हमने यहाँ पे रिफिल, रिफिल है ये चार्ज है इसका जो चार्ज है अगर हम उसे अर्थ तक पहुँचा देते हैं अगर इसके चार्ज को हम अर्थ तक फ्लो कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अर्थिंग और ये कैसे हो सकता है जैसे कि आप जानते हो कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चार्ज है अगर हम इसको अपने हाथ से टच कर देंगे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इसको चार्ज किया और ये जो हैंड यहाँ पे टच कर रहा है इस हैंड इस बॉडी के थ्रू वो चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा अर्थ में पहुंच जाएगा तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे अर्थिंग और जब ये अर्थ में पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा ये जो रिफिल है चार्ज है लेकिन बाद में क्या हो जाएगी डिस्चार्ज हो जाएगी ओके गाइज सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए टॉपिक और मूव टू तो, तो सबने की ही होगी मोस्टली सबने, सबने देखा होगा आकाश आकाशीय बिजली जिसे हिंदी में कहते हैं और इस लाइटनिंग के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है ओके okay, सेवेंटर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि जो जो डेवलपमेंट होती है थंडा की उसमें क्या होता है जो करंट्स होती है एयर करंट्स होती है वो अपवर्ड जाती है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो डाउनवर्ड्स आती हैं तो जो करंट्स होंगे वो ऊपर जाएंगी और ड्रॉपलेट्स क्या जाएंगी नीचे आएंगी सो सो व्हाट विल हैपन दिस मूवमेंट ये जो मूवमेंट होती है ये क्या कॉज करती है सेपरेशन ये क्या कॉज करती है सेपरेशन क्रॉस कॉज करती है सेपरेशन ऑफ चार्जेस और एक प्रोसेस से जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दैट कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेज एक्ूमिलेट नीयर द लोअर एज इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लाउड बनाते हैं ओके सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन यहाँ पे क्लाउड है नॉट लुकिंग सो बट सपोज करिए दिस इज अ क्लाउड एंड यहाँ पे क्या है वेट वेट या दिस इज अ क्लाउड एंड एज यू कैन सी की जो अपर एज है इस क्लाउड का जो अपर पार्ट है वहाँ पे इसमें क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज है एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इस क्लाउड के लोअर एज में क्या डेवलप हुआ है नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो वी कैन से दैट बाई अ प्रोसेस नॉट ईट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्मिलेट नियर द लोअर एज ठीक है एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पे क्या है जो क्लाउड है उसका जो अपर एज है दैट इज पॉजिटिव उसमें कौन सा चार्ज है पॉजिटिव है एंड एंड जो लोअर एज है यहाँ पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव और तो और जो ग्राउंड होता है वहाँ पे कौन सा चार्ज होता है दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज ओके सो नाउ वी कैन से देर इज एक्यूमोलेशन ऑफ देर इज अक्यूमोलेन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर ग्राउंड ऑल्सो मतलब कि जो ग्राउंड uh, होता है वहाँ पे भी कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अक्यूमलेटेड जब ये अक्यूमुलेट होता, होता, okay, so होता, होता है जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो एयर होती है द एयर विच इज नॉर्मली अ पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये एक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पोअर कंडक्टर होता है मतलब इंसुलेटर होता है ठीक है इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट दियर फोर्स ये जो एयर होती है ये उनका जो फो फ्लो होता है चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको अब जो रेजिस्ट नहीं कर पाती है मतलब ये जो एयर है ये क्या है चार्ज का एक ऐसा फ्लो मतलब एयर जो होती है वो एक पोर कंडक्टर होती है और चार्ज का जो फ्लो होता है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती नेगेटिव एंड पॉजिटिव मीट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड तो क्या होता है ना ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वन सेकेंड ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है देखो ये लोअर एज में जो नेगेटिव चार्ज है और ये ग्राउंड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये मीट होता है मतलब ये मिल जाता है और जब ये मिलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है और बहुत स्ट्रांग साउंड प्रोड्यूस करता है और इसी लाइट को इसी ब्राइटनेस को इसी लाइट को और इसी साउंड को हम क्या बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं एंड दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं सो आई आई थिंक वॉट कि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया कि वॉट इज अ लाइटनिंग इसका रिकैप करते हैं सो so, जो क्लाउड होता है उसका अपर पार्ट पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पार्ट मतलब जो लोअर एज होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है जो ग्राउंड होता है उसका भी क्या कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो जब ये जो चार्ज का एक्यूमेसन है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एयर है हमें नॉर्मली पता है कि एयर क्या होती है पो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो ये जो एयर है उसको और रजिस्ट नहीं कर पाती है उसको फ्लो को उसके फ्लो को तो क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है मीट करता है और और क्या डेवलप uh, होता है एक बहुत ब्राइट लाइट और साउंड और इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं और इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं ओके नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइट दिस लाइट इज़ टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग सेफ्टी देखो जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पे दो ऐसे नेचुरल फिनमिन के बारे में बात करने वाले हैं जो डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव मतलब कि वो आप वो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करती है इवन लाइफ को भी बहुत डिस्ट्रा डिस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से तो हम इससे अपने आप को सेफ कैसे सेफ कैसे मतलब कि अपने आप को सेफ कैसे रख सेफ कैसे रख सकते हैं इस इसकी क्या सेफ्टी होती है इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइटनिंग सेफ़्टी कि अगर जब लाइटनिंग हो तो उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं सो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉम नो ओपन प्लेसिस सेफ सबसे पहले जब लाइटनिंग होती है तो बिल्कुल भी आप बाहर जाना अवॉइड कर दीजिए और जब भी आपको गरजने की बादलों के गरजने की आवाज़ आए तो जल्दी से आप किसी सेफर प्लेस को ढूंढ के वहाँ पे खड़े हो जाइए वहाँ पे रहने लगी एंड जब आप लास्ट थंडर एंड आफ्टर हियर द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेम प्लेस एज यू कैन सी यहाँ पे क्या रिटर्न है सेफ प्लेस तो कौन सी प्लेस सेफ होती है उसको कैसे फाइंड करें मतलब कौन कौन सी सेफ प्लेसेस होती हैं एक हाउस या एक बिल्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेस है अगर आप थंडर ठंडा अगर आपको लाइटनिंग दिख रही है कि हाँ बिजली चमक रही है बिजली कड़क रही है तो आप क्या करो ना आप घर में ही रहो स्टे इन हाउस एंड और इन अ सेफ़ बिल्डिंग इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई कार और बस तो आप अगर आप कार और बस से सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे आप एकदम सेफ़ हो बस आपको क्या करना है विंडोज़ और डोर्स को अच्छी तरीके से शट कर लेना है और बिल्कुल आप लाइटनिंग से सेफ़ हो तो इससे इससे बचने के लिए सेफ़ प्लेसेस क्या हो सकती हैं हाउस एंड देखो हाउस हो सकती है एक सेफ प्लेस बिल्डिंग्स हो सकती हैं एंड अगर आप व्हीकल में, में हो अगर आप क्लोज व्हीकल में हो यानी कि ओपन व्हीकल में आप मोटरबाइक पर बैठे हुए हो तो एकदम सेफ हो नो यू आर नॉट सेफ देर अगर आप किसी कार में हो बस में हो ट्रक में हो एंड क्लोज व्हीकल में हो सो देर यू आर ऑल्सो सेफ ओके गाइज सो नॉल इट इस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डूज एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉम सो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉम मतलब कि अगर थंडास्टॉम आ रहा है अगर लाइटनिंग हो रही है बारिश हो रही है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए सो इफ़ यू आर नॉट इन योर हाउस तो आप क्या क्या, -क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हो और किसको अवॉइड कर सकते हो सो हियर इट इज़ अगर आप आउटसाइड हो अगर आप घर पे नहीं हो अगर आप आउटसाइड हो तो आपको क्या करना चाहिए ओपन व्हीकल ओपन फील्ड टॉल ट्रीज शेल्टर इन पार्क एलिवेटेड प्लेस कैरिंग एन अम्ब्रेला डू नॉट प्रोटेक्ट असफ्रॉम लाइटनिंग तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि डोन्स क्या है तो सबसे पहले है कि ओपन व्हीकल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खुली गाड़ियों में बिल्कुल नहीं रहना है और खुले हुए फील्ड में भी बिल्कुल नहीं रहना है बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे नहीं खड़े होने तो वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंटेड कि हमें वन uh, सेकेंड एलिवेटेड प्लेसेस में भी बिल्कुल नहीं रहना है एंड कैरिंग एन अम्ब्रेला ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप थंडर में अम्ब्रेला लिए हो तो क्या होगा कि जो बिजली होती है वो अम्ब्रेला के थ्रू आप तक पहुँच सकती है सो so, तो ये जो सारी टिप्स हैं कि हमें बिल्कुल भी लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और उसके बाद क्या है कि डो नॉट लाई ऑन ग्राउंड हमें ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा ना कि हम लाइटनिंग के लिए ज़्यादा टारगेट बन जाएंगे टेज योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड योर हैडी बिटवीन योर हैंड्स एंड योर हैड बिटवीन योर हैंड्स दिस पोजिशन विल मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक देखो इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो अगर आपको लाइटनिंग जैसा दिखता है कि हाँ बिजलिंग आ रही है और, और उसके बाद थर्डर स्टॉम है तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से कुछ बैठ जाओ अब इसमें क्या क्या करना है कि अपने हैंड को अपने नीज पर रखो और अपना जो हैड है उसको अपने हैंड के पास में रखो तो क्या होगा ना कि आप बहुत छोटा टारगेट बन जाओगे बिजली के लिए स्ट्रक करने के लिए और ऐसे आप सेफ भी रहोगे दिस इज द दिस इज़ द सेफ पोजिशन नेक्स्ट इज़ कि अगर आप इनसाइड योर हाउस अगर आप घर के अंदर ही हो फिर आपको क्या करना चाहिए सो इट इज इट इज वाइज वाइस टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन इसका पूरा का पूरा मतलब है कि किसी को भी फ़ोन मत करो वायर्ड फ़ोन है तो आप किसी को भी फ़ोन ना करिए तभी आप सेफ रहोगे बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडा और एक और पॉइंट है एक पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि डू नॉट कॉल एन एनी वन एंड नेक्स्ट इज बाथिंग शुड बी अवॉइडेड क्यों बाथिंग क्यों नहीं करनी चाहिए क्या हम नहाएंगे तो हमें बिजली लग जाएगी नो नथिंग इज़ देयर बट जो आपके घर में पानी का सप्लाई आ रहा है जो पाइप है मे भी मे बी कि उस पाइप को लाइटनिंग स्ट्रक करे और उस पाइप के थ्रू पानी में हो जाए और कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर जो मैंने अभी आप आपको बताया इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस सचैस कम्प्यूटर्स टीवीज एंड दीज शुड बी अनप्लग इनको भी बिल्कुल अनप्लक्ड कर देना चाहिए क्यों क्योंकि लाइटनिंग में दिस इज दिस इज नॉट सेफ एंड अगर आप ल, बहुत ज़्यादा थंड स्ट्रॉम है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अगर आप ल, अपनी टी वी को ऑन करोगे सो वॉट वॉट इज शोन की सिग्नल नॉट फाउंड कभी कभी ऐसा शो करता है तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपनी जो टीवीज है उसको बंद करके और उसका जो प्लग होता है उसको निकाल देना चाहिए मीन्स उसे अनपक कर देना चाहिए ओके सो नाउ लिट इज मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर